क्या हिंदू होने की वजह से जाखड़ को नहीं बनाया सीएम? 42 विधायकों के समर्थन के बावजूद सीएम न बनाने के सुनील जाखड़ के दावे के बाद पंजाब में सियासी संग्राम छिड़ गया है। आम आदमी पार्टी ने इसे हिंदू समाज से जोड़ दिया। गुरुवार को आप नेता राघव चड्ढा ने कहा कि कांग्रेस ने जाखड़ को इसलिए सीएम नहीं बनाया क्योंकि वह हिंदू थे। अब कांग्रेस ने चड्ढा पर पलटवार किया है। कांग्रेस ने पंजाब चुनाव में ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को शिकायत कर दी है। आधी रात सीएम चन्नी का भांजा गिरफ्तार। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अवैध रेत खनन मामले में सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के भांजे भूपिंदर हनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईडी ने हनी को पूछताछ के लिए जालंधर ऑफिस बुलाया था। ईडी ने भूपिंदर हनी को जालंधर में पूछताछ के लिए बुलाकर करीब 7 से 8 घंटे की पूछताछ की। जवाबों से ईडी संतुष्ट नहीं हुई और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उसे रात करीब 1 बजे मेडिकल जांच के लिए जालंधर अस्पताल ले जाया गया। दबांग शहर सीट पर हुआ था विवाद। पंजाब में पुलिस ने बहुजन समाज पार्टी के फर्जी उम्मीदवार एनआरआई बरजिंदर हुसैनपुर को गिरफ्तार कर लिया है। हुसैनपुर ने दबांग शहर से बसपा कैंडिडेट के तौर पर नामांकन भरा था, जिसे पहले रिटर्निंग अफसर ने स्वीकार भी कर लिया था। हालांकि बाद में जांच में पता चला कि उन्होंने पार्टी सुप्रीमो मायावती की तरफ से पार्टी के अधिकृत कैंडिडेट के जो दस्तावेज लगाए थे वे फर्जी निकले, जिसके बाद रिटर्निंग अफसर ने पुलिस को कार्रवाई की सिफारिश कर दी। अभियोगी के गढ़ में अग्नि परीक्षा, छठे चरण के नामांकन शुरू होने वाले हैं। अब पूर्वांचल में सियासी संग्राम छिड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के छठे चरण की 57 सीटों के लिए नामांकन शुक्रवार से शुरू हो रहा है, जहां 3 मार्च को वोट डाले जाएंगे। इस चरण में पूर्वांचल के 10 जिले की 57 सीटों पर चुनाव है। इस चरण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्वामी प्रसाद मौर्य और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की भी अग्नि परीक्षा है।